आज हम बनाएंगे खट्टा चटपटा यूपी स्टाइल करौंदा हरी मिर्च का अचार। हमारे यहाँ इसे करौंदा बोलते हैं और बारिश के मौसम में ताजे करौंदे बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। इनसे आप हरी चटनी बना सकते हैं, खट्टा मीठा अचार बना सकते हैं। और अगर आप कुछ चटपटा खट्टा अचार खाना पसंद करते हैं तो आप इस अचार को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप सारे स्टेप को फॉलो करके अचार बनाएंगे तो आप इस अचार को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपको भी ये अचार बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। हेलो एवरीवन, नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए मजेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस अचार को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम करौंदे लिए हैं। करौंदे दो तरीके के मिलते हैं, एक सफ़ेद और लाल होता है और एक इस तरह से हरा और लाल होता है। तो मैंने यहाँ पर हरे और लाल वाले करौंदे लिए हैं। इनको हमने पानी से अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, करौंदों को काट लेंगे। तो इसके ऊपर जो ये छोटा सा डंठल है इसे हम इस तरह से निकाल देंगे और बीच से काट लेंगे। इस तरह से दो टुकड़े कर लेंगे। और इसके जो सीड्स हैं एकदम सॉफ्ट हैं तो मैं इन्हें नहीं निकाल रही हूँ। अगर इनके सीड्स हार्ड हैं तो आपको इन्हें रिमूव कर देना है। और इसी तरह से सारे करौंदों को काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे करौंदे काट लिए हैं। और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम हल्की सी मोटी वाली हरी मिर्च ली है। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है। मिर्च को भी मैंने अच्छे से धोने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। हरी मिर्च और करौंदा की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना अचार रखना हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च और करौंदा ले लीजिए। हरी मिर्च को भी काट लेते हैं। तो इसका जो ये डंठल है इसे हम निकाल देंगे और मिर्च में बीच से चीरा लगाकर इस तरह से काट लेंगे। ये मिर्च बड़ी है तो मैं इसके 6 पीस करूँगी। इसके पीस आप अपनी पसंद से छोटे बड़े काट सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिर्च को गोल शेप में भी काट सकते हैं। तो इसी तरीके से सारी मिर्च को काट कर तैयार कर लेना है। तो हमने करौंदा काट कर तैयार कर लिए हैं और हमने यहाँ पर मिर्च को भी काट कर तैयार कर लिया है। और करौंदा को मैंने काट कर 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि करौंदा में जो भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। अब हमें कटी हुई हरी मिर्च करौंदा के साथ मिला देते हैं। तो अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। गरम पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया के बीज, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे सौंफ, 1/4 चम्मच मेथी दाना डाल देंगे, 1 चम्मच काली राई डालेंगे और 10-12 काली मिर्च डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इनको रोस्ट करने से क्या होगा कि इनमें जो भी मॉइस्चर यानी कि नमी होगी वो निकल जाएगी। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और इनमें बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। ये देखिए, राई चटकने लगी है, यानी कि ये सभी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये हल्के से ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। तो ये हल्के से ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल देते हैं। जार का ढक्कन बंद करेंगे और इन्हें दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मसालों को दरदरा पीस लेना है। अगर आपको बारीक मसाला पसंद है तो आप इसे बारीक पीस लीजिए। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे अचार में बहुत बढ़िया कलर आएगा। अब हम इसमें 3 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 छोटा चम्मच डालेंगे पीली सरसों की दाल, 1/2 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर इसमें आपको नमक कम लगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें और नमक डाल दीजिएगा, क्योंकि अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है।
तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम के लगभग सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये अचार आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। तेल को अच्छे से गर्म करने से क्या होगा कि इसमें जो स्मेल होगी वो निकल जाएगी और तेल का कच्चापन निकल जाएगा। तो तेल में जब इस तरह से धुआं निकलने लगे तब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। तो ये गरम गरम तेल हम थोड़ा सा मसाले में डालेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। गरम तेल डालने से क्या होगा कि मसालों में जो भी कच्चापन रह गया होगा वो अच्छे से भुन जाएंगे। और हमने इसमें सरसों की दाल हींग डाली है, वो अभी कच्ची है, तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी हमने इसमें 3 चम्मच तेल डाल दिया है और तेल कम लग रहा है तो 2 चम्मच तेल और डाल देती हूँ। तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे। मसालों में गरम तेल ही डालिएगा, इससे क्या होगा कि अचार काफ़ी समय तक खराब नहीं होगा। तो ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब मसाले को पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए और जब मसाला ठंडा हो जाए तब ये मसाला हरी मिर्च और करौंदे के साथ मिला दीजिए। अभी मैंने इसमें 3 छोटा चम्मच मसाला डाला है। इसे मिक्स करने के बाद अगर इसमें मसाला कम लगेगा तब हम इसमें और मसाला डाल देंगे। करौंदा और हरी मिर्च के ऊपर गरम गरम मसाला मत डालिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। तो अभी तक हमने इसमें हल्दी नहीं डाली है क्योंकि हम हल्दी को थोड़ा सा पका कर डालेंगे। तो हमने जो तेल गरम किया था उसमें से थोड़ा तेल मैंने बचा लिया था। तेल अभी हल्का सा गरम है तो हम इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी को तेल के साथ अच्छे से मिला देंगे। अगर हम गरम तेल में हल्दी डाल देते तो हल्दी का कलर चेंज हो जाता, इसीलिए मैंने मसाले में हल्दी नहीं डाली थी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गरम तेल में हल्दी को मत डालिएगा। इसमें मसाला कम लग रहा है तो मैं ये पूरा मसाला डाल देती हूँ। साथ ही हम इसमें ये हल्दी वाला तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। ये बहुत टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। आप इसका कलर देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। करौंदे का अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप इन सभी स्टेप को फॉलो करके ये अचार बनाएंगे तो आपका अचार भी काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा बहुत टेस्टी और चटपटा करौंदा और हरी मिर्च का अचार बनकर तैयार है। तो आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे पूड़ी, पराठा, रोटी, नान किसी के भी साथ खाइए, आपको ये अचार ज़रूर पसंद आएगा। आप इस अचार को किसी भी एयरटाइट कांच के कंटेनर में भर कर रख दीजिए, ये अचार काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो आपको ये अचार काफ़ी समय तक एकदम ताज़ा लगेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस कंटेनर में इसे भरकर रख रहे हों उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और जिस स्पून से आप अचार निकालें वो एकदम सूखी होनी चाहिए। आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये अचार ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।